नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रिजा बाजार पेराई के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। बाजार पेराई में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, नेशनल इवेंट्स की, हम लोग चर्चा करते हैं लोकल मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट्स के साथ में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, हम लोग चर्चा करते हैं गोल्ड सिल्वर क्रूड डॉलर की, और फाइनली हम लोग चर्चा करते हैं उन दो स्टॉक्स की जहाँ हम आने वाले कुछ दिनों में ट्रेड या इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर आ रहा हूँ वो कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है। जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल है उसको मैं अपनी तरफ से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, उसको विस्तार में बताने की कोशिश करता हूँ, और उसका आने वाले दिनों में मार्केट पे क्या असर होगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक और रिक्वेस्ट के साथ में कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी अच्छा लगता है उस पर कमेंट्स कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ में, ग्लोबल इवेंट्स के साथ में। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि पिछले वीक में हमने देखा कि मार्केट में एक गिरावट रही और सारे मार्केट में, चाहे वो यूरोपियन मार्केट रहे, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे यूएस के मार्केट हो, और अपने इंडिया मार्केट में भी हमने देखा कि फ्राइडे में एक अच्छी गिरावट आई। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सिर्फ केवल अब इंडियन मार्केट था जो इस वीक में पूरी वीक अगर फ्राइडे छोड़ा जाए तो ऊपर की ओर भागता रहा, बाकी मोस्टली मार्केट जो है वो नीचे ही रहे और नीचे की ट्रेंड में ही ट्रेड करते रहे। तो इसकी मेन वजह जो रही, एक तो यह है कि अमेरिका में जो अभी इंटरेस्ट रेट लास्ट जून में जो नहीं बढ़े थे, अब एक ऐसा विचार बन रहा है कि आप और दो या तीन बार इस साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो अभी उतना कंट्रोल में नहीं आया है, मतलब अभी 4% है और जो फेड का एक्सपेक्टेशन है वो 2% है, मतलब वहाँ से अभी हम लोग देखे जाए तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, लेकिन जहाँ से हम लोग नीचे आए 8.5% के आसपास से हम लोग 4% पे आ गए, अमेरिकन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ज़रूर एक अच्छा गिरावट हुई है लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, और इसलिए फेड के कुछ मेंबर्स का कहना है कि अभी भी दो या तीन बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ये एक चिंता की विषय है और इसलिए लोगों को डर लग रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग जॉब मार्केट भी देखें, अमेरिकन जॉब मार्केट के जो रिजल्ट आए हैं अभी, तो वहाँ भी जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि वहाँ अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की गति कम हुई है और जो नया एम्प्लॉयमेंट आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। तो ये कुल चीज़ ये बता रहा है कि वहाँ एक रिसेशन वाली स्थिति भी बन सकती है। तो यूरोप और अमेरिका दोनों भी जगह एक जो मंदी की जो संभावनाएँ बन रही हैं उससे लोगों को डर लग रहा है, और उसी डर के वजह से मार्केट में यहाँ हमको गिरावट दिख रही है। तो ये जो गिरावट है, अब हमको ये देखना होगा कि ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, कहाँ रुकेगी। पर जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि मुझे लगता है जो भारतीय बाजार जो है, भारतीय बाजारों में बहुत अच्छी मजबूती है, यहाँ स्टॉक मार्केट मतलब जो कंपनियाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अब हम लोग सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट हमारे यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, जुलाई महीना आ गया है तो यहाँ सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से हमको देखेंगे कि और कितना यहाँ ग्रोथ नज़र आ रही है। पर जहाँ तक जो अभी तक का जो सिनारियो है, वहाँ इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनियों के मतलब बिजनेस में बढ़ोतरी दिख रही है, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट की अपेक्षा हमारा मार्केट बहुत अच्छा करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा अपना ख्याल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च तक हम लोग 22,500-23,000 के लेवल को छू सकते हैं, ऐसा मेरा अपना अंदाज है। हाँ, केवल बात यह है कि इसके लिए हमको थोड़ा ग्लोबल मार्केट का साथ मिलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह, लेकिन ग्लोबल मार्केट अगर गिरेगा तो हम लोग भी उतना नहीं बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम लोग रुक जाएंगे। तो अगर हमारे मार्केट में अब कुछ गिरावट आती तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहाँ बाय कीजिए। अब ये बाय ऑन डीप वाला मार्केट है, जब भी गिरावट आती है आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की। तो अब यहाँ से हम लोग को पूरी तरह से, मैं अपने आप को मैं बोलूँगा कि मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने आने वाले दिनों में हम लोग 22,500-23,000 निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं।
तो चार्ट पे हमको यहाँ क्या नजर आ रहा है, चार्ट हमको क्या बता रहा है, हम लोग चार्ट को भी देखते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे हमको क्या दशा और दिशा दिख रही है। तो देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि चार्ट पे हमको क्या नजर आ रहा है। और चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, तो डाउ जोन्स बेसिकली उसने दो बार कोशिश की, एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल थी उसको ब्रेक करने की, यहाँ भी एक बार की, फिर वापस नीचे आया, फिर एक सपोर्ट जो जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर सेकंड टाइम फिर वापस नीचे आ गया। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अब जो जहाँ तक ये मुझे दिख रहा है ये अब और नीचे जाने वाला, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन जो मुझे दिख रही है, ये यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये जो सपोर्ट है ये अगर सस्टेन हो जाता है तो ये हम लोग यहाँ से एक वापस से एक रिवर्सल देख सकते हैं, बट अदरवाइज अगर ये नीचे चला जाता है तो यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छी खासी वापस साइड मूवमेंट को ही आते हुए देख सकते हैं, जो कि इस रेंज से लेके इस रेंज में हमको दिख रही है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये लेवल को फिलहाल हटा देते हैं, ये कोई काम की नहीं। तो अब हम थोड़ा पिक्चर और क्लियर देखेंगे, तो ये एक यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है, या अब ये हॉरिजेंटल है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही ट्रेंड लाइन, तो तीनों का जो एक क्रॉस सेक्शन इसके आसपास बन रहा है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर जो डाउ को है एक साइड लाइन में ट्रेड करते देख सकते हैं। निकाई को हम लोग बात करेंगे तो देखो, सॉरी नैसडेक को, नैसडेक का भी वही हालत है, जो एक यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ था वो रेजिस्टेंस ही यहाँ नहीं टूट पा रहा है। तो अब ये यही है कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं टूटेगा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वीक में तय होगा, देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। बात करेंगे तो यूके की, तो यहाँ यूके भी अगर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट में, कोई खास पिछले एक दो वीक में कोई खास हमको फर्क नज़र नहीं आ रहा है। डैक्स की अगर बात करें तो डैक्स लेकिन निगेटिव जोन में है, कंपेयर टू हम लोग देखेंगे पिछले वीक में यहाँ एक बड़ी गिरावट आते हुए देखिए। ये बड़ी गिरावट इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आप अगर देखो कि ये काफ़ी दिनों का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ये जोन अब इसने ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि आप देखोगे कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ, इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन अब ये उसी लेवल को तोड़ के नीचे आ गया, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ एक थोड़ी चिंता की बात है। तो यूएस हम लोग ये देखते हैं कि यूके में मार्केट अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। अब हांगकांग की बात कर लेते तो हमको तो पता है कि हांगकांग तो वैसे भी कोई खास कर नहीं रहा है, और चाइना में भी हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेंड जो है आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में ही बनाया, हायर हाई लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। हांगकांग में एक चीज़ और भी हुई है कि आप देखेंगे कि जो एक लेवल हम मैंने बहुत यहाँ एक ड्रॉ की थी, अब प्राइस उसके नीचे चली गई है, ये एक सपोर्ट लेवल थी का और उससे प्राइस अब नीचे चली गई है, यहाँ एक बार नीचे गई थी फिर ऊपर आ गई थी, लेकिन अब वो वापस से उसके नीचे चली गई है और ये एक वापस से गिरता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो जो एशियन मार्केट्स है, एशियन मार्केट्स में भी हम एक अच्छी गिरावट यहाँ देख रहे हैं। आप देखते हैं जापान का भी, तो जापान भी अब एक सपोर्ट के आसपास आ गया है और ये मंडे देखेंगे कि यहाँ से लौटता है या नीचे वापस से आता है। तो मार्केट का टोटल हम लोग वर्ल्ड मार्केट को अगर देखें तो वहाँ हमको एक थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति दिख रही है, तो हमको वर्ल्ड मार्केट से तो कोई सपोर्ट अभी मिलने वाला नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं डॉलर की, तो डॉलर में हम लोग ने देखेंगे कि अचानक बहुत उछाल आ गया है ना, तो अचानक जो बहुत उछाल आया है और उसी के वजह से अब हमको ये देखना पड़ेगा कि देखिए डॉलर में उछाल हमारे इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है, तो ये हमारे लिए एक और चिंता की बात है। तो इस वक्त जो डॉलर में है आपको करना क्या है ना, इस वक्त हम जो डॉलर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 8260 के ऊपर आपको बाय करना है और टारगेट्स होगा 8278 का। नीचे अगर हम लोग बात करेंगे 8250 ये हमारी 8249 या 50 ये जो हमारी लेवल होगी इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है फिर, और फिर हमारा टारगेट्स होगा 8227 का।
बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड में भी हम लोग देखेंगे अचानक से बहुत बढ़त आ गई है, और ये बढ़त भी हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक खेल है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब हम इस बार क्या करेंगे, क्रूड में अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको करना है 6080 के ऊपर बाय, और फिर आपके टारगेट्स होंगे 6185 और 6300 के। ये दोनों टारगेट्स हो सकता है इस वीक में आपको आते हुए दिख जाए। अब ये इसलिए दिखेंगे क्योंकि ये जो माहौल बन रहा है, दिख रहा है, वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि बहुत तेजी से हमने प्राइस को ऊपर जाते हुए देखा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बोलेंगे कि आपको बाय करके चलना है तो वो सही होगा, और अगर आप नीचे आ जाती है, प्राइस 5993 के नीचे आ जाती है ना, तो आपको फिर शॉर्ट करना है, और फिर आपके लिए टारगेट्स होंगे नीचे के 5896 का एक पहला टारगेट होगा, और 5839 सॉरी 5820 ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। तो आप इस तरीके से क्रूड में ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है गोल्ड की, तो हम लोग गोल्ड को देखते हैं गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड में भी हमने देखा, अब जो एक वापस से एक रिवर्सल आ चुका है, काफ़ी नीचे जाई गई प्राइस, वहाँ से वापस ऊपर आई। अब यहाँ से हमको करना क्या है, हम बाय करेंगे 5894 के ऊपर, और हमारा टारगेट होगा 5939 5। तो 5939 5 के लिए हम लोग बाय करेंगे अगर 5894 5 के ऊपर प्राइस आती है तो। ओके, अगर प्राइस वापस 5874 3 को ब्रेक कर जाती है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारा नीचे का टारगेट होगा 5871 का। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट अगर ऊपर साइड में, और ये हमारा टारगेट होगा नीचे साइड का, राइट। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में हमको भी क्या करना है, सिल्वर में भी हमने देखा एक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है, और प्रोबेबली बाय साइड का ट्रेड हम इसको इनिशिएट करेंगे इस बार भी। अगर ये 71422 के ऊपर प्राइस आती है तो, है ना, और टारगेट होंगे आपके 72307 के। नीचे अगर हम लोग 71054 के ऊपर नीचे निकलते हैं तो हमारा प्राइस होगा 69909 का। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी को जहां तक मैं देख रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि निफ्टी जो है, यहां से हमने देखा है कि एक अच्छी खासी बढ़त आई है पिछले 2 हफ्तों में, है ना। पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आई। इनफैक्ट ये 2 हफ्ते की बात नहीं है, हम लोग जून 23 के हिसाब से बात करेंगे तो 3 हफ्ते की बात हम लोग कर सकते हैं कि 3-4 हफ्तों में यहाँ हम लोग ने एक अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। बढ़त आई, लेकिन हुआ क्या है, पिछले पिछले 2 दिन में, पिछले 2 दिन में हमने गिरावट भी आते हुए देखी है ना। पिछले 2 दिन में एक अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा चढ़ा फिर वहाँ से जो गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ से गिरावट भी आई है, और अब हम लोग वापस से थोड़ा अगर माहौल को देखते हैं, दुनिया के माहौल को देखते हैं, तो थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट्स है, निगेटिव ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा। तो अब हम लोग 19300 को हमारा बाउंड्री बनाएंगे इस बार वीकली बेसिस पे, उसके नीचे इतना तो हमको सेल करना है, फिर नीचे का टारगेट होंगे हम लोग के 19000 तक के। और अगर हम लोग इसको
को नहीं ब्रेक कर पाते और वापस रिवर्स आते हैं तो फिर ऊपर के टारगेट्स वापस हमारे होंगे 19,500 के। अगर आप इसमें ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप 19,600 का कॉल बेचिए और 19,000 का पुट बेचिए और इस तरीके से आप इसमें ट्रायंगल बना के काम कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ भी एक वापस से हमने देखा दो वीक से एक गिरावट का एक माहौल सा बन गया है और प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ सकती है क्योंकि हमने देखा कि बाहर का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने चाल चल सकते हैं, ये भी बात सही है। और इसलिए अभी आपको क्या करना है, 44,700 ये मेरी बहुत पास का एक मैंने बाउंड्री बनाई है। ओके, अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमारे नीचे के टारगेट 44,200 तक के भी आ सकते हैं, और अगर हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाते और या फिर ब्रेक नीचे आ जाते हैं फिर वापस ऊपर चले जाते हैं तो हमको यहाँ वापस बाय करना है और फिर ऊपर के टारगेट जो होंगे हमारे वो 45,300 45,400 तक के भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी आप इस टाइप से ट्रेड करेंगे। अगर आप स्ट्रैंगल करके स्ट्रैंगल बेच सेल करना चाहते हैं तो आप स्ट्रैंगल करना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे 45,500 का कॉल बेचेंगे और नीचे 44,500 का कॉल बेचेंगे और नीचे 44,200 का पुट बेचेंगे और इस तरह से आप अपनी स्ट्रैंगल की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक्स में जो लेकर आया हूँ दो आपके लिए, एक है मैंगलोर केमिकल और मैंगलोर केमिकल में आपको बाय करके चलना है 111 के ट्रिपल वन के ऊपर आपको बाय करना है, टारगेट्स होंगे आपके 132 के, स्टॉप लॉस आपको रखना है 104 का। और दूसरा स्टॉक में जो लेकर आया वो है ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल में आपको बाय करना है 312 के ऊपर और 380 का आपका टारगेट्स होगा। देखो टारगेट्स थोड़ा लंबा है, मैं आपको पोजिशनल कॉल दे रहा हूँ यहाँ, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 293 का। तो दोस्तों यह था इस हफ्ते का बाजार पर राय, और बाजार पर राय में हम लोग ने बहुत सारी बातों की चर्चा की, हम लोग ने ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इवेंट्स की चर्चा की, हम लोग ने चर्चा की इंडियन मार्केट की, हम लोग ने चर्चा की कुछ स्टॉक्स की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि और भी दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये वापस मैं बता रहा हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पज से है और आपको उसी, अगर आप इस बेस पे कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर इसी नए एपिसोड में, नमस्कार, जय हिंद।